दोस्तों, मैं हूं राजू और आप देख रहे हैं राजू फिशिंग क्लब। आज आपको एक टोप बना के दिखाएंगे, एक चारा बना के दिखाएंगे मछली पकड़ने का। इस चारे से रुई, मिर्गेल, पोना, तेलापिया, लैलेंटी का पुठिया, इससे ये इतना मछली पकड़ाता है। तो चलिए आपको बना के दिखाते हैं। सबसे पहले आपको लेना है तीन स्लाइस रोटी का ये जो किनारी है, ये किनारी बिल्कुल निकाल देना है, ये नहीं चलेगा ब्राउन कलर का। और उसके बाद इसमें लेना है, ये देखिए पार्ले जी बिस्किट है, 3 स्लाइस रोटी में 3 पीस बिस्किट लेना है और इसको अच्छे से तोड़ना है। और इसके बाद देखिए ये अंडा फेंट के रखा है, इसमें एक चम्मच ये अंडा देना है, इतना देने के बाद इसको बढ़िया से बहुत अच्छा से मिलाना है। ऐसा मिला कि एकदम ये आटा आटे के तरह बन जाए। और जब ये कड़ा रहे तो इसमें दूध है, आप इसमें आपके पास गाय का दूध है या मादर डेयरी जो भी दूध है, इसमें दूध डालने का है। तो आपका वक्त बचाने के लिए हमने पहले से टोप रेडी करके रखा है, उसे सिर्फ मिलाकर आपको बताते हैं। आप ये देखिए, ये हटा देते हैं, ये अभी थोड़ा टाइट है, अभी तुरंत इसे बना रहे थे वक्त बचाने के लिए। मैं ये टोप बना रहा हूँ, ये अभी टाइट है, तो इसमें थोड़ा सा दूध डालते हैं एक ज़रा से। देखिए इसमें इतना सा दूध डालेंगे, ये इतना सा दूध डालते हैं, पानी बिल्कुल भी नहीं देने का इसमें है। अब इसको मिला कर आपको बना के दिखाते हैं। आप देखिए इस तरह टोप बनता है। तो इसमें आपको ये जो मछली का नाम हमने बताया है, ये सब मछली ये टोप खाता है। और ये टोप आप बनाइए और जाइए तालाब में, झील में, आपको रिवर में, जहाँ आप मछली पकड़ते हैं वहाँ जाइए, टोप बनाकर पहले मछली पकड़िए, पकड़ने के बाद फिर कमेंट बॉक्स में हमको बताइए मैसेज करके कि आपका मछली पकड़ाया या नहीं पकड़ाया। नहीं का तो कोई बात नहीं है, पकड़ा गया, क्योंकि मैं भी शिकारी हूँ, मछली पकड़ता हूँ। और अगर आप नदी में पकड़ते हैं मछली और नदी में पानी का बहाव है, तो इसमें जर्दी नहीं देंगे, आप देंगे इसमें अंडा का जो वो सफ़ेद वाला होता है वही देंगे, उसे देकर पकड़ेंगे तो टोप एकदम पकड़े रहेगा। कम से कम 15 से 20 मिनट तक टोप एकदम टाइट रहेगा, पानी में खुलेगा नहीं, बहाव पानी में। और तालाब में पकड़ते हैं तो फिर ये जर्दी देकर आप इसे अब जर्दी दे के बनाए टोप। ये देखिए हमारा टोप रेडी हो गया है। तो आपको अभी हम कांटा में लगा के दिखाते किस तरह टोप लगाने का है, गुच्छा कांटा में लगाना है या फिर सिंगल कांटा में लगाना है। देखिए हमारे पास दो किस्म का कांटा है, एक तो ये देखिए ये कांटा है, गुच्छा वाला कांटा है, देखिए ये कांटा है। तो इस कांटा में लगाने के लिए आपको ऐसा टोप लेना पड़ेगा और बिल्कुल कांटा को छुपा देना होगा ताकि मछली को नज़र नहीं आए। देखिए इस तरह टोप लगाना होगा, बिल्कुल कांटा छुप जाता है। इस टोप से लगाने से खाते ही मछली आपके कांटे में फंस जाएगा। और अगर आपको गोल कांटे में लगाना है, और कांटा एक दिखाते हैं आपको हम, मैं भी शिकारी हूँ। देखिए एक ये कांटा है, अगर ये कांटा में आप लगाना चाहते हैं, ये भी गुच्छा कांटा है, तो इसमें इस तरीके का लगाना है। इसको ऐसा करके थोड़ा लंबा करते हैं और उसके बाद इसको काजू की तरह लगाते हैं, ये इस तरह लगाते हैं, ये देखिए इस तरह लगाते हैं गोल कांटा में, ऐसा टोप लगाते हैं। इसी तरह सिंगल में भी लगा सकते हैं, अगर 4-6 कांटा है तो उसमें भी आप लगा सकते हैं, देख लीजिए बेहतरीन से। और दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।